नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं जयपुर से हूँ। मेरे चैनल का नाम है मिस्टर जयपुर। तो आज मैं मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जयपुर में ऐसे कौन कौन से फेमस फोटोग्राफी स्पॉट हैं, फेमस फोटोग्राफी क्लिक करवाने की जगह है, जहाँ पे आप यदि जयपुर आ रहे हैं घूमने या फिर जयपुर से ही हैं, यदि आप कभी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे फोटो जरूर क्लिक कराइए। तो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस आस पास में भी हैं जहाँ पे आप वहाँ पे कम समय में उन प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और वो सारी जगह आप कवर भी कर सकेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जयपुर में, कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप फोटो क्लिक करा सकते हैं, और मैं उन फोटो का एक एक फोटो सैंपल भी आपको आगे दूंगा, ताकि आपको पता लगे कि आमेर महल में कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे फोटो क्लिक कराई जाती है अधिकतर लोगों के द्वारा। ठीक है, फिर मैं आपको हवाई में बताऊंगा, फिर मैं आपको सिटी पैलेस, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, गलता जी, पन्ना मीना का कुंड और पत्रिका गेट। क्योंकि बहुत से जयपुर के लोगों को भी नहीं पता कि पन्ना मीना का कुंड जयपुर में है और वहाँ पे फोटो क्लिक कराने की बहुत अच्छी प्लेस है, बिलीव मी गाइस। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, आगे मैं आपको इनकी डिटेल्स बताने वाला हूँ, मतलब एक एक मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, ताकि आपको आगे से जब आप वहाँ जाएं तो आपको पता लगे कि यहाँ पे फोटो क्लिक करा। पहले आमेर, आमेर के जस्ट पीछे है पन्ना मीना का कुंड, ठीक है, और आमेर से दो से तीन किलोमीटर या चार किलोमीटर दूरी पर जलमहल है। ठीक है, तो ये तीनों आप एक साथ कवर कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं हवा महल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस, ये भी तीनों एक साथ ही हैं। जैसे हवा महल है, हवा महल के जस्ट पीछे है एक मतलब 500-700 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है पीछे की तरफ, और जंतर मंतर के जस्ट सामने सिटी पैलेस है। तो आप ये तीनों एक साथ विजिट कर सकते हैं, ये तीनों एक साथ विजिट कर सकते हैं। फिर आते हैं कि हवा महल से कम से कम 15 मिनट की या 20 मिनट की दूरी पर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। ठीक है, तो आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम और पत्रिका गेट एक साथ विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के आगे ही पत्रिका गेट आता है, मतलब उससे 15 से 20 मिनट की दूरी पर पत्रिका गेट आ जाता है। तो ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पता लगे कि आप कौन कौन से प्लेस एक साथ विजिट कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ताकि बचे हुए टाइम में आप और भी। दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं आमेर किले की। तो आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक गेट दिखाई दे रहा होगा, उसको हम बोलते हैं गणेश कोट। तो आप वहाँ पर फोटो क्लिक करा सकते हैं। और जो दूसरी फोटो आपकी स्क्रीन पे आई है वो आमेर के जस्ट सामने है, वहाँ पे आपको 200 से 300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, तब जाके आपको स्पॉट मिलेगा। बहुत ही सुंदर फोटोग्राफी का स्पॉट है, आप जब भी जाइएगा एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। दूसरा आते हैं हवा महल। हवा महल के सामने भी आप फोटो क्लिक करा सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे फोटो चल रहा होगा अभी। और जो दूसरा फोटो आ रहा है वो आ रहा है विंड व्यू कैफे का। तो वहाँ पे दो कैफे हैं सामने, एक टैटू कैफे है, तो विंड व्यू कैफे। तो आप दोनों में से किसी में भी कैफे में जाके ऊपर उनका छत है, वहाँ पे जाके फोटो क्लिक करा सकते हैं। मैं दो फोटो आपको शेयर कर देता हूँ। काफ़ी फेमस फोटोग्राफी वहाँ पे की जाती है, और बाहर से जो भी ट्रैवलर आता है या बाहर से जो भी फॉरेनर्स आते हैं तो वहाँ पे मोस्टली जाते ही जाते हैं जी। तो अब हम आ जाते हैं जंतर मंतर। तो जंतर मंतर में बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं, मैं आपको फोटो डाल देता हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं फोटो, और जब भी आप जाएं तो वहाँ पे फोटो क्लिक करा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सिटी पैलेस पे। तो सिटी पैलेस में मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, आपको जो फोटो दिख रही होगी वो है मोर द्वार की, जिसे हम मोर द्वार बोलते हैं। काफ़ी फेमस फोटोग्राफी स्पॉट है, आप जिस भी ट्रैवलर की, जिस भी फॉरेनर जो भी आता है उसकी अगर प्रोफाइल चेक करते हैं तो आपको यहाँ की फ़ोटो ज़रूर मिलेगी सिटी पैलेस में। और जो दूसरी फोटो चल रही है आपकी स्क्रीन पे वो है ब्लू पैलेस, सिटी पैलेस का। तो आप वहाँ पर भी जाइए तो ज़रूर फोटो क्लिक कराइए, रिकमेंडेशन है मेरी आपको। और अब हम चलते हैं पन्ना मीना का कुंड, जिसे जयपुर का स्टेप वेल भी बोलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक स्टेप वेल का फोटो मैं डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि जयपुर में भी स्टेप वेल है, जिसे हम पन्ना मीना का कुंड बोलते हैं। तो काफ़ी फेमस फोटोग्राफी स्पॉट है पन्ना मीना का कुंड भी। अब आ जाते हैं हम जलमहल पर। तो जलमहल की मैं आपको फोटो डाल देता हूँ, दो फोटो मैं डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे भी फोटो क्लिक कराई जाती है, कैसे किस पोज में फोटो क्लिक कराई जाती है, कैसे उसका कौन सा एंगल लिया जाता है, तो आप देख लीजिएगा, मैं फोटो डाल देता हूँ, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं अल्बर्ट हॉल, काफ़ी जयपुर का म्यूजियम है, काफ़ी पुराना म्यूजियम है जयपुर का। तो मैं आपको फोटो डाल देता हूँ स्क्रीन पर अल्बर्ट हॉल की,
अल्बर्ट हॉल के सामने खड़े रहकर जहाँ पे बहुत सारे कबूतर वगैरह होते हैं, जहाँ वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फोटोग्राफी करना वहाँ पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गलता जी, जिसे हम मंकी टेम्पल भी बोलते हैं। तो वहाँ पे भी मैं आपको स्क्रीन पे एक फोटो डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा किस पोज में आपको, जब भी आप जाएं किस पोज में आपको फोटो क्लिक करवानी है, कौन से पोज में आपको अलग अलग एंगल से फोटो क्लिक करा सकते हैं जी। अब लास्ट में आते हैं हम पत्रिका गेट पर। पत्रिका गेट है जयपुर वर्ल्ड ट्रेड पार्क में, वहाँ पे आगे 300 से 400 मीटर दूरी पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पत्रिका गेट आता है। तो पत्रिका गेट की भी मैं फोटो शेयर कर देता हूँ, काफ़ी फेमस फोटोग्राफी स्पॉट है जयपुर का, ये अभी नया ही बना है, पहले नहीं था ये, तो काफ़ी फेमस फोटोग्राफी स्पॉट है पत्रिका गेट। तो आप जब भी जयपुर आइएगा, मैंने जो प्लेसेस बताई है एक बार आप वहाँ पे जरूर फोटो क्लिक करा के देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ, तो बने रहिए मिस्टर जयपुर के साथ। धन्यवाद। खम्मागढ़ी।